दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक MTK का गेम ओवर टूल देने वाला हूँ। इस टूल की मदद से जितना भी आपका MTK का फोन है, FRP, पैटर्न, पासवर्ड, कोई भी लॉक हो, चाहे वो MI अकाउंट हो, तो इस वीडियो में मैं आपको इरेज MI अकाउंट एंड FRP दोनों बाईपास करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो ओके, सबसे पहले आपको डायपर वगैरह इंस्टॉल करना है, डिवाइस मैनेजर को यहाँ पे खोल लेना है। ओके, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये टूल जो है एक ज़बरदस्त टूल है, MTK का गेम ओवर टूल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इरेज MI अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट देंगे। उसके बाद एक फ़ोन है हमारे पास, उस फ़ोन के थ्रू आपको दिखाते इसको करके। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर MI अकाउंट ब्लॉक लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस फ़ोन को आपको खोल लेना है। ओके, फ़ोन को खोल के आपको मैं बताता हूँ किस तरह से इसका MI अकाउंट को रिसेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट लॉक बता रहा है। ओके, एक्टिवेट दिस डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फ़ोन को आप खोलेंगे। फ़ोन को खोलने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये कर लेना है कनेक्ट। ओके, कनेक्ट कर दिया मैंने। तो एक ही बार में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो 100% ओके, ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसका MI अकाउंट लॉक रीसेट हो गया है। अब इसका FRP किस तरह से करना है, तो दोबारा बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बैटरी को मैंने नहीं लगाया है। ओके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं। ओके, आपको दिखाने के लिए कि विदाउट बैटरी ये होता है कि नहीं होता है। तो हम इरेज FRP पर क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, तो आप की को प्रेस करके मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे नहीं होगा, जिस जो भी बूट है वो आपको देना पड़ेगा। और वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे बैटरी हमारा डिस्कनेक्ट है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी को जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे बैटरी कनेक्टर को, तो एक ही बार में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको करना है, आराम से आप अपने फ़ोन का जो FRP है, MI अकाउंट लॉक है, उसको रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना है। अब आपको फ़ोन को ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं कि हमारा ये जो MI अकाउंट लॉक है वो रिसेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। आइकन आ चुका है, अब सिंपली फोन को हम ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड प्ले करते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके सामने इरेज MI अकाउंट भी कर दिया, FRP भी कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम को इस सेटअप को जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देते हैं। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड प्ले कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आपको भी इस तरह से कर लेना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने प्रैक्टिकल करके